नमस्कार 22 की विसात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की समीक्षा बैठक की खबर के साथ। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है बहन कुमारी मायावती ने। 9 मंडलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। पोलिंग बूथ की तैयारियों को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से विपक्षों में खलबली मची है। मायावती का यह बयान भी आपको बता दें, बीजेपी को यूपी की सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। मायावती का ये बयान, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन से बीएसपी का जनाधार बढ़ रहा है। सम्मेलन से जिलों में अपार सफलता मिली है। हरियाणा सरकार का रवैया किसान विरोधी है। किसानों ने अपनी सक्रियता बढ़ाने की घोषणा की है। ये सारे बयान मायावती के, हम आपको बता दें, समीक्षा बैठक के दौरान यूपी सरकार किसानों के साथ बर्बर व्यवहार न करे। तो चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव हो चुकी हैं। समीक्षा बैठक की और बड़े बयान दिए हैं। यूपी सरकार पर निशाना साधा है, कहा किसानों के साथ बर्बर व्यवहार ना करे। हरियाणा सरकार को भी उन्होंने तक बयान दिया और कहा कि विरोधी सरकार है। पार्टी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन यानी जो ब्राह्मण वर्ग का सम्मेलन चल रहा है उसको लेकर भी मायावती ने कहा है कि खलबली मची हुई है बाकी दलों में और आने वाले समय में बीएसपी का जनाधार और तेजी से बढ़ेगा। ये तमाम बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं जो आज समीक्षा बैठक के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही। तो 22 की बिसात में इस वक्त की बड़ी खबर, बीएसपी यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये बड़ा बयान दिया है, समीक्षा बैठक की है और फिर से अपने बयान को दोहराया कि प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन से बीजेपी में खलबली है। बढ़ते आगे तो उत्तर प्रदेश में 2 दशक से प्रतापगढ़ की सियासत को अपने हिसाब से चलाने वाले विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जलवा लगातार बरकरार है और कहा जा रहा है कि राजा भैया बीजेपी और सपा दोनों के करीबी है, लेकिन अब राजा भैया अपने सियासी वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अकेले ही चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उतरने का मूड वो बना चुके हैं। राजा भैया ने भी शुरुआत एक यात्रा के साथ की है, वो भी अयोध्या से। जी हां, यहां पर दिग्गजों का जमघट लग रहा है, इसलिए भी कहा जा रहा है कि 2022 की जो बिसात है अयोध्या के इर्द गिर्द ही बिछने वाली है। रिपोर्ट देखिए। से राजा भैया का चुनावी शंखनाद, चुनाव से पहले याद आए प्रभु श्री राम। राजा भैया ने भी बिछाई 22 की बिसात। जन संकल्प यात्रा से राजा भैया की शुरुआत। श्री राम की नगरी अयोध्या से जन संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने भी 2022 के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। यूपी में अलग अलग पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें अधिकतर पार्टी यात्राओं के जरिए सत्ता की सफल यात्रा करने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में बाहुबली और प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया ने भी अयोध्या से जन संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। राजा भैया ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद प्रदेश व्यापी यात्रा का शुभारंभ किया है। किसी भी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर राजा भैया ने कहा कि जन सत्ता दल का किसी भी पार्टी में विलय नहीं होगा। प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। पिछले कुछ समय से अयोध्या में राजनीतिक पार्टियों का जमघट लगना शुरू हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ हो, मायावती की बीएसपी हो, कांग्रेस हो या सपा, हर कोई अयोध्या का जिक्र करता हुआ ही नजर आ रहा है। अयोध्या पहुंचने से पहले प्रतापगढ़ में जन सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह ने सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जन संकल्प यात्रा निकाली। राजा भैया का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जिस तरह से राजा भैया ने यूपी विधानसभा चुनाव में किसी के साथ भी गठबंधन करने से इनकार कर दिया है, उससे राजा भैया ने भी चुनाव को दिलचस्प बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन सब के बीच अयोध्या में दिग्गज नेताओं के आने की होड़ लगी हुई है।
ऐसे में लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव का केंद्र अयोध्या ही रहने वाला है। बस देखना ये होगा प्रभु श्री राम किसको जीत का आशीर्वाद देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ वासियों को कुछ बड़ी सौगातें दी हैं। इसे आपको बता दें कि आज देश के रक्षा मंत्री और देश के बड़े नेता राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। 1710 करोड़ की परियोजनाओं को यहाँ पर शिलान्यास लोकार्पण किया। राजनाथ सिंह ने गोमती पर बन रहे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। लखनऊ को 1700 करोड़ रुपए की ज्यादा की सौगात दी है। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ये जो भी मैं योजनाएं आज जिनकी सौगात दे रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बगैर संभव नहीं था। योजनाओं की सौगात दी है, इसमें आउटर रिंग का पार्ट, किसान पथ का लोकार्पण भी है। वहीं चरक फ्लाईओवर को भी आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, स्वास्थ्य की योजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई मंत्री मौजूद रहे। लखनऊ को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप करने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं। इसके लिए उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। इसके अलावा कई फ्लाईओवर्स की सौगात राजधानी को मिल चुकी है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते और समझाते हैं कि आज दरअसल लखनऊ को मिला क्या, क्योंकि रक्षा मंत्री पहुंचे थे। तो ये देखिए स्क्रीन पर आपके, लखनऊ को 1700 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। हैदरगंज चरक फूल मंडी फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, ये बहुत जरूरी चीज थी। गोमती नदी पर बन रहे एक प्रोजेक्ट का भी लोकार्पण हुआ है आज। लखनऊ को 1700 करोड़ की सौगात, आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद भी हैं। 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान किया गया। आज यहां पर जिन परियोजनाओं का भी यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इसमें शिलान्यास की योजनाएं लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्मार्ट सिटी मिशन, नगर निगम, अमृत योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की कुल 396 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लोकार्पण की लोक निर्माण विभाग, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सेतु निगम, चिकित्सा विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन, नगर निगम, अमृत योजना, स्मार्ट सिटी योजना और लखनऊ विकास प्राधिकरण की 1313 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं, यानी कुल 1710 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं का आज यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये बदलते हुए प्रदेश और बदलते हुए लखनऊ का वह दृश्य है जो आम जन की आकांक्षाओं के अनुरूप, प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप लखनऊ को बढ़ाने का माननीय रक्षा मंत्री जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में तेजी से चल रही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का एक अभियान है। लखनऊ हिंदुस्तान का नंबर वन शहर बनकर कैसे खड़ा हो, यही हमारी चिंता रहती है और सदैव उसी के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं और तहे दिल बतलाना चाहता हूं, शायद आज के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी न होते तो मैं लखनऊ के विकास के लिए इतना काम बिल्कुल नहीं कर सकता था। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य ने समय समय पर जिस तरीके से निगरानी की है, जिस तरीके से रुचि दिखाई है, इसके लिए मैं श्री केशव प्रसाद जी मौर्य को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक, यहां के दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सबने यहां के विकास में रुचि दिखाई है,
सारे विकास के लिए भी कहा जाए तो श्रेय सभी को जाता है, उसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। काम तो बहुत सारे किए हैं, अब कानून और व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है अब उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि दो शब्दों का नाम यदि योगी जी का कोई सुन ले, योगी, तो दिल की धड़कन अपराधियों की बढ़ जाती है। अब चाहे कोई कुछ भी कहे लेकिन अपराधियों के ऊपर तो सख्ती होनी ही चाहिए, अपराधियों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। हम यदि राज्य में सुशासन लाना चाहते हैं तो जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक सुशासन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, और जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी तब तक राज्य का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। तो 180 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया गया। बढ़ते आगे तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की याद में बीजेपी की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी के तंज पर विपक्ष ने फिर से सियासत शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में श्रद्धांजलि पर फिर सियासत, कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि पर विपक्ष का तंज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फिर साधा निशाना, सपा ने बीजेपी पर पाखंड की राजनीति का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। दरअसल राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के याद में बीजेपी की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गोमती नगर विस्तार स्थित सिटी में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के कई दिग्गजों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन को यादगार उपलब्धियां गिनाई तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मौके पर विपक्ष पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। छोटे का बड़ा बनना ये उसकी महानता होती है। महानता का मापक बड़े का छोटा होना नहीं होता है, जब बड़ा का बड़ा हो जाना भी उसकी महानता नहीं होती है। सदैव कल्याण सिंह जी जनपद अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्मे थे। एक सामान्य शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी दिनचर्या को प्रारंभ किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ने के उपरांत राष्ट्र सेवा का जो व्रत उन्होंने लिया, जो भी और जिस भी क्षेत्र में उन्हें महत्व दिया गया, जिस दृढ़ता के साथ और जिस समर्पण भाव के साथ उन्होंने उन दायित्वों का निर्वहन किया, आज उसी का परिणाम है कि हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है लेकिन उनकी स्मृतियां, उनके कृतित्व के माध्यम से हम सबके सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूल्यों, संगठन की ताकत और सरकार के दायित्व, इन तीनों को एक धारे में पिरो कर राजनीतिक जीवन जीने वाले प्रत्येक कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे और आज के अवसर पर हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिस दिन वह स्वर्गवासी हुए थे मीडिया के मित्रों ने उनसे और के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं, जो संबंध रहे हैं, उस पर एक टिप्पणी चाहिए थी। मैंने कहा कि ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि कल्याण सिंह जी के साथ हमारा रिश्ता एक नेता का था, हमारे नेता भी थे, बड़े भाई के रूप में हम भी हमने उनके देखा है और सखा के रूप में भी उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, एक रामभक्त मुख्यमंत्री के नाते आदरणीय कल्याण सिंह जी का इस धराधाम से जाना हो गया है तो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है तो पार्टी के दृष्टि से कम बल्कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सबको आमंत्रित करने के लिए गए थे, अध्यक्ष जी भी गए थे।
दरअसल बीजेपी कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि के बहाने जहां विपक्ष पार्टियों को घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं विपक्ष भी इस मौके पर भरपूर फायदा उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बीएसपी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि कल्याण सिंह सभी को साथ लेकर चलने वाले थे, दलों से ऊपर उठकर बाबूजी ने हमेशा काम किया है। मैं अपने पार्टी की तरफ से कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देता हूं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम को लेकर बीजेपी पर विपक्ष लगातार वोट के लिए राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का मानना है कि कल्याण सिंह को जीवित रहते हुए बीजेपी ने सम्मान तो नहीं दिया, लेकिन अब राजनीति शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर झूठ, पाखंड और बहकावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, भाजपा की झूठ, पाखंड, फरेब, बहकावे, भटकावे, नफरत, हिंसा, नकारात्मक और धोखाधड़ी से भरी राजनीति को जनता अब सड़क पर लेकर आ रही है। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जितना ज्यादा प्रचार कर रही है, लोग उतने ही ज्यादा उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। नहीं चाहिए भाजपा। बहरहाल, विपक्ष बीजेपी पर कल्याण सिंह के नाम पर पिछड़े चेहरे को आगे कर झूठ, फरेब और पाखंड की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। लेकिन पिछड़ों की सियासत में बीजेपी के सामने एक बार फिर कहीं न कहीं कल्याण सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी पहले भी कल्याण सिंह को आगे कर हिंदुत्व के साथ पिछड़ी जातियों के बीच एक बड़े चेहरे के रूप में प्रयोग कर चुकी है। शायद दोबारा बीजेपी कल्याण सिंह के नाम सम्मान के बहाने दोबारा दोहराना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों की इच्छा के अनुरूप ब्रजमंडल की धरा पर मांस मंदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर न सिर्फ आगामी चुनाव को लेकर एक बड़ा दांव खेला है, बल्कि विपक्षियों को उन्होंने करारा जवाब भी दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, तीर्थ क्षेत्रों में शराब और मांस पर प्रतिबंध, 100 मीटर के दायरे में नहीं खुलेगी शराब की दुकानें, तीर्थ स्थलों के आसपास शराब पीना अपराध। कान्हा की नगरी मथुरा में सीएम योगी ने तीर्थ क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर रोक का ऐलान किया है। सीएम के इस फैसले के बाद अब मथुरा वृंदावन समेत प्रदेश के कई तीर्थ स्थलों पर शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लग जाएगा। दरअसल काशी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन और बरसाना पहले से ही पवित्र तीर्थ स्थल घोषित हैं। राज्य सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के मुताबिक अब तीर्थ स्थलों पर मांस मदिरा का ना तो क्रय विक्रय हो सकेगा और ना ही इनका सेवन किया जाएगा। ऐसा करने पर इसे अपराध माना जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में मदिरा मांस की बिक्री पर पाबंदी का ऐलान करते हुए यह भी सुझाव दिया कि मथुरा की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए जो लोग मांस और शराब की बिक्री के काम में लगे थे, वे दूध बेच सकते हैं। सीएम योगी ने किसी को उजाड़े बिना ही सुनियोजित तरीके से जिले का विकास करने की बात भी कही है। यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य, मांस आदि का सेवन न हो, और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा इसकी योजना रचना बनाकर उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। सीएम के इस फैसले को लेकर मथुरा वासियों में खुशी की लहर है। खासकर संत समाज सीएम के इस फैसले पर खुशी जताते हुए सीएम योगी का आभार जता रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने सीएम के फैसले पर खुशी जताते हुए स्वागत योग्य बताया है। हमारे राष्ट्र के लिए भी यह शुभ संदेश नहीं है, इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय अमित शाह जी से एवं प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय मोदी जी से यह मांग करता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना अति आवश्यक है। यदि नहीं लाया गया तो आगे चल करके एक गंभीर व्यवस्था हो जाएगी और जिसको निपटने में काफी समय लगेगा। वहीं सीएम योगी का ये फैसला विपक्ष पार्टियों को रास नहीं आ रहा है।
सपा और बसपा सीएम योगी के इस फैसले को चुनाव से प्रेरित बता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कमाल के हैं भाई, 4.5 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समाजवादी की नहीं है। तब तो आपने यहाँ शराब और मांस की बिक्री पे तो रोक नहीं लगाया, यहाँ कोविड काल में भी शराब की दुकानें खुली रही, और अब चूंकि चुनाव आया है तो झूठ और जुमले फेंकने फिर शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, 2022 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी को वर्षों इसकी गूंज सुनाई देगी। ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की धार्मिक विभेद पैदा करके टकराव पैदा करती है। जहाँ तक बहुजन समाज पार्टी का प्रश्न है, वो इस बात में यकीन रखती है कि जो संविधान में दिया गया है कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए, उसी विचार का हम पालन करते हैं। और जहाँ तक इनका व्यापार का प्रश्न है तमाम सामग्रियों का, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अवसर पर इस प्रकार के फैसले लेती है जिससे समाज में टकराव हो। बता दें कि सीएम योगी ने 2017 के चुनावों में अवैध बूचड़ खाने पर रोक लगाई थी और वैध तरीके से चल रहे बूचड़ खानों की जांच करने के आदेश भी दिए थे, जिससे कई महीनों तक पश्चिम यूपी के कई मुस्लिम होटलों पर दाल मखनी और शाही पनीर बिकने लगा था। ऐसे में तीर्थ क्षेत्रों में मांस मदिरा के सेवन पर रोक लगाने का फैसला कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का फैसला बड़ा दाव के रूप में देखा जा रहा है। मथुरा से न्यूज वन इंडिया के लिए गगन पंडित की रिपोर्ट। तो आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां अपने तरीके से तेज कर दी है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव ने प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया है। इसके लिए एक लग्जरी रथ भी बनाया गया है, जिस पर शिवपाल यादव सवार होकर प्रदेश भर की यात्रा करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। पोस्टर में मुलायम सिंह यादव की भी तस्वीर लगाई गई है। 15 सितंबर के बाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।